पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ती पंचायत बगड़ोली के दर्जनों लोग पिछले कल पुलिस थाना फतेहपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लापता हुई बेटी के पति के खिलाफ शिकायत देते हुए कार्यवाही की मांग उठाई। एक महिला उषा देवी पत्नी संजीव गुलेरिया पिछले 5 दिनों से अपने ससुराल दयाल से लापता थी। जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था और इसी के चलते मायका पक्ष बगड़ोली के दर्जनों लोग पिछले कल पुलिस थाना पहुंचे, मगर सुबह बाड़ी पंचायत के जंगल कैलबेड में घर से 3 किलोमीटर दूर उक्त महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जहां पर उन्होंने लापता हुई बेटी के ससुराल वालों पर भी उसे गायब करने का आरोप लगाया। पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की व प्रदर्शन किया। इस पर जानकारी देते हुए लापता महिला के भाई लव कुमार ने कहा कि उन्हें शक है कि उसकी बहन के ससुराल वालों ने ही उसे मारा है। वही थाना प्रभारी फतेहपुर राजेंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि महिला का शव सुबह फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट। सांप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके भाई ने शिनाख्त कर लिया कि ये मेरी बहन है। और अभी तो फॉरेंसिक टीम हमने बुलाई है, वही पहले तो वो मुलाजा करेंगे इसका और वही चेक करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि भी किस बिना वजह से ये हुआ है। सर प्राथमिकता कल दर्ज करवाई ही ना, तो कल होगी कंप्लेंट, मतलब कि कुड़ियां ने करवाई पहले या मुंडियां ने करवाई? पहले जो है लड़के वाले ने कराई है 4 तारीख को। अच्छा, उदे बाद टीम लगी पई, पुलिस ने भी लाया अपना पूरा जोर, असं नहीं बोली सकते थोड़े उपर, मतलब कि तुसी नहीं करा दे। हालांकि एक तरीका होंगे है, एक उस प्रोसैस के हिसाब ने तुसा भी कार्रवाई करा दे, संगठन भी काफ़ी मदद करा दे है। अज वो बच्चा मिली चुके है, अज माँ बाबा ही तुसा दिखा दे होने क्या कि नहीं। ये सारे की उम्मीद है कि पुलिस जी है कि अगर इन्हों दिल ने अगे इन्हों का मतलब कि बोलना हार आता कि अभी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि पुलिस हमारी मदद करे और सा इंसाफ मिले। बिल्कुल सर, आप मदद पूरी है, जो जिसने गुनाह किया उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने कर लिए, काबू कर लिए, अरेस्ट ही है समझो थाने में। अब हमने डालनी कार्रवाई, जब हम यहाँ से जाएंगे तो तब ही हम लिखा पढ़ी करेंगे। कितने लोग हैं सर पुलिस थाने में? पुलिस थाने में सर अभी 19 है 20 है। सर जिस हिसाब ने भीड़ है, हो सकता कि उग्र ही है माहौल लगा था जड़ा कि लक्षण है, मतलब कि ये ऊपर तुसी अपनी जड़ी है पूरा कानून व्यवस्था भी बनी रहे। बिल्कुल सर, क्या प्लानिंग है? हमने अफसरान वाले को सूचित कर दिया है, अफसर भी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, फॉरेंसिक टीम भी आ रही है, वो मुआयना करेंगे बॉडी का, और अफसर हमारे पहुंच रहे हैं। सारा कुछ जो भी आप जो फैमिली वाले लड़की के उनको भी बता सकते हैं, जिसके बाद मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि इंसाफ पूरा मिलेगा, चाहे सुसाइड होगा चाहे मर्डर होगा। बिल्कुल सर, पूरा इंसाफ पूरा दर्शकल हो जाएगा, कुछ कमियाँ रह जाएंगी तो हमें प्लीज़ वो काम करने दो जो हमारा काम पड़ा हुआ है। नहीं तो अगर हम आपके साथ ही उलझ गए या उसके उसमें तो फिर ये सारा केस पब्लिक की क्या संदेश देना चाहते हैं? केस हमारा बिगड़ सकता है, कुछ भी हो। पब्लिक की क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक को सर, जो जिसने गलत किया उसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारा आप साथ देंगे, हमें बताएंगे लिखाएंगे, जो भी जितने विटनेस होंगे उतना ज्यादा केस बनता स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद केआरटीवी ने टाइम दिया, और ये भी इन्होंने बस साथ मिलकर करा हुआ, जो भी करा हुआ है पुलिस वाले इनको बचा रहे हैं। 4 दिन से लड़की गायब थी, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, लड़कों की इतनी बुरी हालत हुई, 12-12 एक-एक बजे तक लड़के ढूंढ रहे थे, जिनका जाता है उनको पता चलता है। आज ये पब्लिक भी खड़ी है, गांव के भी खड़े हैं, ये गांव वाले भी नहीं कुछ कर रहे थे, इनके गांव में कांड हुआ, इन्होंने भी कुछ करा। इससे आगे भी थोड़े कन्ने साड़ी टीम भी उस वक्त की पूरा जाँच करा दी, कोशिश करा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा गल फैले, और गल फैलने तो बाद जोड़ा है कि वो पता चला कि कोई ना कोई ना कोई तो दिखी, पर दिखनी क्या ही लड़की घोड़ा ना दिखनी, वो ताजे लगी तालू बुरी हालत है बॉडी दसी नहीं सकते। हाँ जी देखो ना, असी उस दिन गए हैं तो उन्हों का बर्डिंग क्या थी कि कुड़ी तो डिनर जाई फूकती, इदा करता इदा करता, असी मतलब सारी उत्थे
तोप चढ़ाई है अगे पिछे सारे उन्होंने गए हैं पूरे खेतर च भी घूमे हैं कोई कितने नहीं मिली तो हूँ बाद इतने टंगी रखती है तो उन्होंने माँ की वर्डिंग है कि पागल है तो कोई पागल है तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि कितने कितने पागल जिन्हें सुसाइड किया ज्यादातर तो असं दिखते रहने अच्छ कल भी अं पूरे तलवाड़े च हर रेहड़ी को रेहड़ी आड़े न अपनी फोटो दी है अपनी भैन की कि मतलब तुम सू कोई अगर कितने भी थोड़ा मिलती है तो सू जरूर ही दसो तो अगर ये पागल है तो उत्थे तो सू पंजा पागल मिले तो किसी ने तो सुसाइड किया नहीं किसी ने नहीं सुसाइड किया सारे तो इदा उदा घूम रहे ही उधर तो इन्होंने मतलब साजिश की और फोन असी अपनी भैन माता दिखी सर थे पिता जरा प्यो है इस बच्चे का प्यो है उस पुछो कि दिल बच्चे क्या बीता है क्या बोलना चाहते अंकल जी बहुत दुखदाई गल है मेरे न बहुत बेइंसाफी की इन्होंने और मैं बोल नहीं सकता मेरा दिल टूट के आया मैं मर जा चंगा है अस इन्होंने घर च हाथ जोड़ के पुछया सासू जी कहती साढ़े तीन बजे इन्हें मेरे को टाइम पुछया और दूसरे पार्टी च बोल दी नहीं इन्हें खुद मेरा मोबाइल चक के अपना इन्हें टाइम देखा तो मैं उन्होंने कहा तू बेटा सो जा जो टाइम आता उठन का तो मैं भजन कर लैनी है तो उठती हाँ उस तो बाद तो कोट बाल्ट सारे बदल जाते हैं कद कुछ पढ़ती है तो कद कुछ पढ़ती है कद बोलती है इन्हें रजाई नग लाई है ताया ससुर बोलता नहीं जी साड़ी तो बच्ची है धीया वर्गी है अज उसका रिजल्ट सामने पेश आ गया उसका ताया भी मिलया आ उसका छोटा मुंडा भी जो है वो घर चो भी मिलया आ बाकी साढ़े जवाई और जवाई का भाई भी ये मिक्सअप गल इन्होंने इकट्ठी की पागली दिमागी फर्क क्या थोड़ा बच्चा तो की पता ऐसा साढ़े को कुड़ी गई है असी अपनी बच्ची नू कपड़े लीड़े दोतरी नू चप्पलां तक भेजिया ने इन्हों घर च जवाई और उसका छोटा भाई वकील वो भी गया उन्होंने साढ़े अगे मेहनत की बोलती जी रुसे गिले मासड़ जी सौ होंगे न चलो असं अगे समझा लड़ाई झगड़ा कुड़ी ने मैं दसिया कि मैंने उन्होंने मारिया कुटिया और मैंने नहीं ठीक चाहते मैं क्या मैं पुलिस चौकी रिपोर्ट कर माता तो बोला जी सस की कोई लड़ाई झगड़ा होंगे नहीं वो सस गुमराह कर दी है हर बंद मतलब कि तो क्या लगता कि ये कुड़िया ने फा लिया पूजा बिल्कुल नहीं जी इन्होंने मर्डर किया कुड़ी का तो हूँ थोड़ा अगर क्या मांग क्या प्रशासन वाले क्या मांग करना चाहते हिमाचल सरकार वाले क्या मांग करना चाहते ना साड़ी बच्ची ने इंसाफ में रहना चाहिए तुम ये दसा कि जिया मतलब कि थोड़े हल कुड़ी चली गई ही पहले तो थोड़े कोई फोने गलबात होती ही इन्होंने फोन फाने अभी तीन फोन कुड़ी ने दिते इन्होंने तिने तोड़ के गुमराह करते हो ताकि किसी नाल गल ना करे दर्शको बड़ी बड़ी गल है।